आज की वीडियो में मैं मिलवा रही हूँ आपको परिस्तान की टीम से और कुछ दिखा रही हूँ बिहाइंड द सीन्स, सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, बहुत खुश होंगे। आप को अंदाजा हो चुका होगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं एक्चुअली मौजूद हूँ परी के घर पर। अब परी का नाम सुनते ही आपके जहन में उस सीरियल का नाम आ गया होगा जिसका नाम है परिस्तान। हम टीवी की एक जबरदस्त सी सीरियल, मोमिना दुरेद प्रोडक्शंस की एक और हिट, एक फैमिली सिटकॉम जो कि आप रमजानुल मुबारक में देख रहे हैं, कुछ एपिसोड्स आप देख चुके हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ परिस्तान के कुछ फैमिली मेंबर्स से। कहीं के इनको ऐसा सबक सिखाना कि आइंदा किसी के साथ फ्रॉड कभी भी ना करे। ड्रामा जैसे ही ऑन एयर होता है और उफ धूम मच जाती है। चलिए जी, तो देखते हैं कि परिस्तान की टीम के कौन कौन से मेंबर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, आजा आजा, ये देखें जी। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाऊंगी कैप्टन से, क्योंकि ये जो धूम मची हुई है ना परिस्तान की, ये बहुत सारा क्रेडिट जो जाता है अली हसन को। अली हसन इज द डायरेक्टर। और अली हसन आ जाए अंदर आ जाए। अच्छा, टेल अस समथिंग अबाउट दिस परिस्तान। इतनी जो धूम मची हुई है परिस्तान की, इसकी वजह क्या है? दिस इज परिस्तान, आस्क देम, दिस गर्ल एंड दैट गाय। अभी बहुत टफ चल रहा है, बट रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, सो आई एम हैप्पी। नो डाउट, नो डाउट। ये बहुत फेमस हो गई है, उजाला। मेरी ना असल में दादी नानी दोनों नहीं है, तो ये मुझे अपनी सी लगने लगी है। उजाला हो गई है। मेरी अम्मी देख के कंफ्यूज हो गई थी कि तुम ये कैसे कर रही हो। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ किचन, तो मैं कह रही थी इतनी गर्मी लग रही है मुझे, क्या हो रहा है, तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आई हैड टू सारे सीन्स में बस वेजिटेबल्स कट कर रही हूं, बिकॉज़ आई डोंट नो एनीथिंग अदर देन दैट। आई लव यू गाइस एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट दैट यू ऑलवेज गिव मी, एंड होपफुली आप लोग अभी और एपिसोड देखेंगे तो आप लोगों को और प्यार हो जाए उजाला से। थैंक्स यू मिस्टर अली हसन, एंड या आई होप यू गाइस आर एज एक्साइटेड फॉर न्यू एपिसोड्स एज आई एम, एंड या स्टे ट्यून्ड। अच्छा, बाकी नहीं से मासूम है जो कि आपको सीरियल में नजर आ रहा है? आप बताएं। अली तो कह रखे हैं आप बहुत मासूम हैं। जितने अली हसन मासूम है, मैं उससे दो गुना ज्यादा मासूम हूं। या तुम्हें खाने की पड़ी हुई है, उन जालिमों ने जो मेरा हुलिया किया है तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा? तुम देखो, मैं अम्मी को क्या कहूंगा, मेरी तो शर्ट का भी बेड़ा खराब कर दिया उन्होंने। जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा, पागल लड़की। गजल, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इट्स अ फिनोमिनल सेट बिकॉज ऑफ वी ऑल द टैलेंटेड पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ दिस कास्ट। दिस इज माय थर्ड रमजान प्ले। मुझे रोल्स इसी तरह के ऑफर हो रहे हैं कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि यार एक भोला सा लड़का चाहिए, तो वो कहते हैं भोली सी सूरत तो सिर्फ इसके पास है। क्या बात है, ले आओ जरा जूम इन कीजिएगा, जरा जूम कीजिए, भोली सी सूरत दिखाएं, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए, 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 आए। पास बैठी शर्माए आए हाय। मजाक के अलावा ये इतना लोगों में पसंद किया जा रहा है ये सिटकॉम, तो उसकी बेसिक वजह क्या है, इसमें क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है? बहुत लाइटर मूड है इसका, और बहुत डिसेंट कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है, और कहीं कहीं ब्लैक कॉमेडी है। वो बहुत डायरेक्ट अप्रोच वाली, यू नो, एफर्ट वाली कॉमेडी नहीं है, इट्स वेरी एफर्टलेस। That is the reason. परिस्तान के सेट पे हूँ, परी के घर पे हूँ, और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि परी के घर पे हम आए और परी से आपको ना मिलवाएं। तो आपके सामने एमन सलीम। काश मेरी भी दोस्ती होती किसी असली परी से। इतनी गर्मी है अंदर एक्चुअली कि हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा गार्डन में आ जाए, इतना ब्यूटीफुल ये कैसा लग रहा है ये पूरी टीम के साथ, कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस। रमजान प्लेज आर ऑलवेज लॉट ऑफ फन, क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते हैं सेट पे, आपकी मतलब बड़ी बड़ी फैमिलीज दिखाई होती हैं, सो इट्स बीन अ वॉक इन द पार्क। सबके साथ काम करके मजा आ रहा है, इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन। बस ये है कि रमजान प्ले में ये होता है, काम बहुत होता है और बहुत जल्दी जल्दी करना होता है,
तो वो चीज एक है जो हाई प्रेशर होती है, और मेरा एक्चुअली एक और ड्रामा साथ साथ चल रहा था जब ये भी स्टार्ट हो गया, तो वो वर्क वाइज थोड़ा हेक्टिक हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह. So what do you do besides this acting and all? So I'm actually a tech entrepreneur. I'm developing an app. I'm also doing a couple other things on the side. अच्छा. मैं जब ये करी थी तो मैंने सोची यार ये और वो साथ साथ बड़े आराम से मैं कर लूंगी, वो ऐप भी बनती रहेगी और ये भी होता रहेगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली दिस इज फुल टाइम, मोर देन फुल टाइम. या एब्सोल्युटली पूरे वर्ल्ड में आपको देखा जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में. यू वुड लाइक टू से समथिंग टू देम? Yeah, of course. I would just like to say thank you so much. I hope you guys are enjoying it. हमारी जो परिस्तान है वो आप लोगों की literally public request पे हम लोगों ने किया है, and I hope that we've done justice to it. And आप लोग रमज़ान को enjoy करें जितना प्यार आप लोगों ने चुपके चुपके को दिया था मेरे debut को. I hope इसको भी उतना ही प्यार मिले. And yeah, that's about it. Lots of love to all of you watching and loving Pari's character and loving Paristan and our family. और अब आपकी बहुत ही फेवरेट तैमूर, जो कि अमानुल्लाह के कैरेक्टर में आपको नजर आते हैं. अमानुल्लाह किसने बोला है? क्या किया मैंने? कैरेक्टर एक मेरा, मैं यूट्यूब के ऊपर उसको पिछले 6 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ. फर्क फर्क सिनारियोज इसके कवर किए हैं, और फिर मीरा ने कहा कि इस कैरेक्टर को हम लेके चलते हैं. हमारे दो कैरेक्टर्स हैं जुबैदा और अमानुल्लाह, दोनों इकट्ठे ही पैदा हुए थे. कमला जाएगा. अब मेरी तो अभी शादी हुई नहीं, तो अब उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे वो काफी चलना शुरू हो गए थे, तो जुबैदा का कैरेक्टर और मानला का कैरेक्टर दोनों मिलके मीरा ने कहा इनको टीवी पे लेके जाते हैं, इनकी एक नई जिंदगी देते हैं. रिस्पांस अच्छी आ रही है, अच्छा लग रहा है करते हुए भी, और प्लस मैं और मीरा अकेले में ही काम कर रहे होते थे, तो अब बहुत से लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, तो कोलैबोरेशन का भी अपना ही मजा होता है. उसके अलावा ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगा, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग. Pakistan and Hum TV. Assalamu alaikum everyone, this is Meera Sethi. Mannu tu is badad na tu jande ho gaya. O Manla gal sun, tenu nargisi kofte te pasande banane aunde ne? Nargisi kofte te pasande? Manla mere piche khada ho ke mazak kar reha, vekh eh vekh aa gaya, bada shaitan hai. Main kya si na, bada shaitan hai. Shoot kar rahi si aisi te ho. लोकियां बुला लेता जी. सर जुबैदा के कैरेक्टर में ना आपने अपनी आवाज को तो चेंज किया है, कुछ किया है जी. How do you do that? वो बस अंदर होता है, उसको किसी तरह लाना होता है बाहर. तो मैं जुबैदा बन जाती हूँ तो मेरे वास्ते बड़ा आसान होता है फौरन जुबैदा बन जाना. लेकिन फिर मैं मीरा भी हूँ. आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करें, और हम भी बड़ी मेहनत करके आपको ये सब फन आपकी तरफ लाते हैं. और या आई विश यू गाइस द बेस्ट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ. आप सब लोगों का रोजा है, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो टीम एफर्ट होता है ना, इसी की वजह से जो आपको प्ले बहुत अच्छा लगता है, वो ट्रस्ट मी इन सब की मेहनतों का नतीजा होता है. और मैंने देखा है कि यहाँ जो आपकी टीम है, इतनी डेडिकेटेड टीम, इतनी मेहनत से काम करने वाली है और इतनी गर्मी में काम कर रही है. हेड्स ऑफ टू यू गाइस. वो लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनसे मिलवाने की कोशिश की. मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोज़ और भी मैं आपके लिए बनाती रहूँ. और अगर आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट आज नज़र आए आपको मेरी वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान के, उनको भी कोई मैसेज देना हो, कोई उनके लिए कोई कमेंट में कोई बात लिखनी हो, तो जरूर बताइएगा, उन तक आपका कमेंट पहुंचेगा. अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत जल्द मिलूंगी एक जबरदस्त वीडियो के साथ. तब तक अल्लाह हाफिज़. अगर वीडियो अच्छी लगी है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजे मजे की वीडियोज जो और बन रही हैं आपके लिए वो आप मिस ना कर जाएं. और जो बॉक्सेस में वीडियोज नजर आ रही हैं इन्हें भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी.